कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बल्कि आज का जो वीडियो है वो आने वाले वीडियोस के लिए हम लोग बेस तैयार करेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। चलिए मैं इसको नोट करता हूँ, विद्युत क्षेत्र। किसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी चार्ज के बारे में देख रहे थे कि जब भी कोई चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो यदि वो सजातीय आवेश हो तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश हो तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसको हम कूलाम के नियम से समझे थे, कूलाम ने कितना बल लगेगा ये भी समझाया था, उस नियम के अनुसार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन हमने कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी देखी थी। यह एक निश्चित रेंज पर काम करने वाला फोर्स होता है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ तथा आप आइकन पर भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ रेंज पर फोर्स लगता है दूसरे आवेश पर, तो उसी रेंज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र एक निश्चित रेंज पर जो क्षेत्र होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक। तो वो जिस क्षेत्र में उस पर बल लगता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको नोट करते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे तो उसके उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी होती है? या किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है तो इसका एक रेंज है विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो हम क्या करते हैं एक परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जैसे ही एक परीक्षण आवेश को उसके रेंज पे आते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो किसी एकांक धन आवेश पर जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी, या इसी को हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक
धनावेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं देखिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इसे कैपिटल इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और इसको परिभाषित जैसे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला एकांक धनावेश पर जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इज इक्वल टू होता है एकांक धनावेश पर, मान लीजिए एकांक धनावेश क्यू नॉट हो, जितना फोर्स लगेगा एफ, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा कहलाएगी, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है न्यूटन, क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है, आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलम। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, यही का मात्रक हो जाएगा। अब इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, चलिए थोड़ा सा कितना बल लगता है ये आप जानते ही हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये अभी शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, वैद्युत आएगा तो उसका भी तीव्रता की गणना वगैरह करेंगे, तो ये बेस है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है, आसानी से समझिएगा, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, एकदम सरल है, इजी है, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, धन आवेश है, ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर मैंने रख दिया है स्पेस में, तो ये क्या बनाएगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा, जहां पर भी इसके क्षेत्र में कोई आवेश आएगा, तो मान लीजिए सजातीय आवेश आता है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजातीय आवेश आता है, मान लीजिए माइनस, या फिर यहाँ पर हम लोग एकांक धन आवेश पर यदि ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज दूर से इस बिंदु पर लाते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है जहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, तो इस क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, इस बिंदु पर तीव्रता कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है इस कारण से इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि ये माइनस क्यू होता तो आकर्षण बल लगता, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, किस डायरेक्शन पे लगेगा, इन दिस डायरेक्शन पे लगेगा, फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, कितना बल लगेगा, तो हम जानते हैं कि कूलम के नियम से लगने वाला जो बल होता है एफ इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q0/r का स्क्वायर, ये Q0 दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है कूलम का नियम, तो F इज इक्वल टू होगा 1/4π Q0/r स्क्वायर, ठीक है, यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है F अपान क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा F को तो वैसे लिखेंगे 1/4π क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट से जब आप डिवाइड करेंगे क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4π क्यू अपान आर का स्क्वायर, ये किसी
बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अब थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, 9×10⁻⁹ होता है इसका मान, ठीक है। यहाँ पर ये q पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, मतलब इस बिंदु आवेश पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बिंदु आवेश होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे आप इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर और बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, और पास लाने पर r का मान कम करने पर e का मान बढ़ता जाएगा। तो अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना इस प्रकार से करेंगे। वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, सदिश रूप में f इज इक्वल टू, मान लीजिए वेक्टर टर्म्स में होगा तो ये 1/4πε0 q0/r² और ये r का, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप लिख सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q/r² इन दिस, ठीक है। इस प्रकार से आप सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने इस प्रकार से की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, आपने देखा ये एकांक धन आवेश किस ओर गति करेगा, इस ओर गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एकांक धन आवेश के गति की दिशा को बताती है या उसके पथ को बताती है कि वो किस दिशा में गमन करेगा। सरल है, बिल्कुल यही है उसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे निष्कोण वक्र होती है जो एकांक धन आवेश की गति को प्रदर्शित करती है, उसके पथ को प्रदर्शित करती है। इसको नोट कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुणों को लिखिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जो एकांक धनावेश की पथ को प्रदर्शित करता है, पथ को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यह एक काल्पनिक रेखा है, देखो वास्तविक में हमको दिखती नहीं है। अच्छा, इसको इसके कल्पनाशील कौन है, जो सर हमारे माइकल फैराडे हैं, उन्होंने कल्पना किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। इसकी सहायता से हम बहुत सारे फिनोमेना को हम लोग समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इसको लाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कौन कौन सी गुण होती है, विशेषताएँ होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एकांक धनावेश के गति को या पथ को प्रदर्शित करती है, ठीक है। उनके पथ को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है वो रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को देखते हैं, चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे जाकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, धनावेश
से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, कैसे होती है चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू आवेश से निकलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये सभी समांतर इसको निकलते जाएंगे, ठीक है। और ये कहां पर जाएंगे, ये मान लीजिए कहीं माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू से निकल करके कहां चले जाएंगे, माइनस क्यू आवेश पे जाएंगे, ऐसा ये इस प्रकार से और यहां पर आते जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ये हमेशा धनावेश से आउटवर्ड होंगी, बाहर की ओर निकलती जाएंगी और किसमें समाहित हो जाएंगी, माइनस क्यू आवेश पे, ऋण आवेश पे क्या हो जाती है, समावेश हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यहीं पर खत्म होगी, ठीक है, यहीं पर जाएगी। अच्छा मान लीजिए किसी आप एक आवेश को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माइनस क्यू नहीं है, उस केस पे क्या होगा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर चली जाती है, इन्फिनिट पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर चली जाती है, और वहीं ऋणावेश पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश पर अनंत से ऋणावेश की ओर गति करती है, ठीक है, ऋणावेश से अनंत से आती है और यहाँ पर अनंत पर जाती है, इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तीसरा गुण ये होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, ऐसा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसकी सहायता से आप क्या समझा सकते हैं, दो विजातीय आवेशों में आकर्षण को आप समझा सकते हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो धनावेश से निकल कर ऋणावेश की ओर जाती है, ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है ये लाइंस, तो होगा क्या, इसमें अट्रैक्शन होगा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू पास पास आते जाएंगे, क्योंकि ये लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटा होना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस और माइनस पास पास में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से क्या समझा सकते हैं कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, याद रखिएगा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाएंगी या धनावेश से अनंत तक जाएंगी, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, मान लीजिए यहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो आप इस पॉइंट पर देखेंगे ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एकांक धनावेश दोनों तरफ एक ही टाइम पर पहुंचे या एक ही टाइम पर जाए, ठीक है। तो इस कारण से ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यदि वो समानांतर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। पांचवा लिख लीजिएगा, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ लाइन, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसकी सहायता से आप क्या समझा सकते हैं, प्रतिकर्षण को, सजातीय आवेशों में जो प्रतिकर्षण होता है। अच्छा, प्रतिकर्षण किसमें किसमें होता है, जब प्लस प्लस आपस में आते हैं, मान लीजिए धनावेश है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से निकल रहा है बाहर की ओर आउटवर्ड्स, ठीक है। एक और हम लोग चार्ज देखते हैं, मान लीजिए एक और धनावेश है, उससे भी आउटवर्ड्स बाहर की ओर निकलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब चूंकि ये धनावेश से निकल रहा है इस डायरेक्शन की, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो काटेंगे नहीं तो क्या होगा, बिना टच किए ये यहाँ से इस तरफ मुड़ जाएंगे, ये इस तरफ मुड़ जाएंगे, ये इस तरफ मुड़ जाएंगे, ये ऐसा करके ये इस तरफ, ठीक है। वैसे ही नीचे की ओर ये नीचे चले जाएंगे ऐसे, ये ठीक है। तो ये चूंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते और साथ में प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जैसे प्रतिकर्षित करेंगे तो ये प्लस प्लस कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस गुड़ की सहायता से प्रतिकर्षण को भी समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जिसके कारण से ये धनावेश भी दूर दूर चले जाएंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दोनों दूर दूर चले जाएंगे। तो जब दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब प्रतिकर्षित करती है, तो आप देखेंगे कि ये जो बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु, यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।